हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही देसी नुस्खा लेकर के आई हूँ, घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ। और यह घरेलू नुस्खा है आपके दांत खाज खुजली के लिए। बहुत ही ज़्यादा पुराना भी दांत खाज खुजली क्यों ना हो दोस्तों, ये वाला नुस्खा बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, आपके दांत खाज खुजली को जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत ही ईजी है, इसको ट्राई करते रहिएगा, आपका दांत खाज खुजली का जो भी प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आज के नुस्खा को आपको बनाने के लिए चाहिए होगा कपूर। कपूर दोस्तों अक्सर हम पूजा में यूज़ करते हैं, पूजा में अक्सर आरती वगैरह करने में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी दोस्तों कपूर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कपूर का इस्तेमाल अक्सर आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम है उसको बढ़ाने में भी किया जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली हुई है कि कैसे अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को आप बढ़ा सकते हैं कपूर के इस्तेमाल से। उसके साथ साथ ही दोस्तों कपूर का इस्तेमाल आप इस तरीके के दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेमेडी है, ट्राई करिएगा। तो आपको कपूर में से अगर आपको ज़्यादा बना करके क्वांटिटी रखनी है तो 3 से 4 कपूर चाहिए होगा। मैं यहाँ पर आपको 1 कपूर की मदद से बता रही हूँ कि ये वाला नुस्खा कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपको लगभग 2 या 3 कपूर लेना है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ करना चाहते हैं तो 3-4 आप कपूर ले सकते हैं। कपूर को आपको अच्छे से क्रश कर देना है। आप इसको खलबट्टे में रख कर के भी पीस सकते हैं। वैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रश किया है उस तरीके से भी आपको ईजिली क्रश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 कपूर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप 4 या 5 कपूर लेकर के कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस वाले कपूर का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको वो मैं बताती हूँ। कपूर के इतने सारे फ़ायदे जान करके आपको लग रहा होगा कि पहले मुझे क्यों नहीं पता था इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे। बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अब जो आपको अगला सामग्री ऐड करना है ये होगा आपका हल्दी। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर जो आपके किचन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ही हल्दी का इस्तेमाल आप अपने ब्यूटी के लिए करते हैं, चेहरे के दाग धब्बे को हटाने के लिए करते हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों हल्दी आपको लेना है बिल्कुल प्योर नेचुरल हल्दी, किस तरह का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि दांत खाज खुजली में जलन हो सकती है आपकी। इसलिए कोशिश करें कि प्योर टर्मरिक वाला हल्दी जो होता है ना, ऑर्गेनिक हल्दी, वो आप ले लें। घर पे भी आप हल्दी की पाउडर बना कर सके रेडी कर सकते हैं जो कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहुत ही ज़्यादा हल्दी नहीं, लगभग 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम लेना है, 3 या 4 पिंच आप ले सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो मैं अभी थोड़ा सा डेमो के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी ले रही हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं अपने कपूर के हिसाब से, ठीक है। तो हल्दी दोस्तों आपको जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। अक्सर देखिएगा चोट वगैरह जहाँ लगता है वहाँ पे कहा जाता है हल्दी ऐसे लगा दो, आपका घाव या फिर आपके जो दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाएंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारे किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी हील करता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, है ना। अक्सर शादी ब्याह में हल्दी रसम होता है जिससे लोग खूबसूरत बनने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं चेहरे को निखारने के लिए। तो उसी प्रकार जो है ये दांत खाज खुजली में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, और ये भी हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नारियल का तेल दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, हर चीज़ में जो है नारियल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटी में हो, स्किन के लिए हो, हेयर के लिए हो। बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, साउथ में अक्सर नारियल तेल में ही खाना बनाया जाता है, कहा जाता है प्योर एंड बेस्ट ऑयल होता है नारियल का तेल। उसी प्रकार दोस्तों इसको इस तरीके से जो है आप अपने दांत खाज खुजली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सा नुस्खा है, 1 या 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रखें और आपको इसको अपने जो इफ़ेक्टेड एरिया है, जो जहाँ पे दांत खाज खुजली है बहुत दिनों का है, जकड़ा हुआ है, नहीं छूट रहा है, तो इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बना करके किसी भी छोटा सा डब्बी रख ले, डिबिया रख ले, उसमें आपको उसको भर करके रखना है और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पे भी आपका अफेक्टेड एरिया है उसको आपको कॉटन से गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर ले, गर्म पानी होना चाहिए, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से अच्छे से साफ़ कर ले कॉटन की मदद से, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से उसको पोंछ दे, जिससे क्या होगा कि जहाँ पे भी गंदगी वगैरह जमी रहती है उसके ऊपर जो है
वो आराम से निकल जाएगा और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसको क्या करना चाहिए, पोंछ लेना है सूखे कपड़े की मदद से, और उसके बाद आपको हमने जो बनाया है हल्दी और नारियल का तेल और कपूर का मिश्रण, उसको आपको एरिया पर इस तरीके से अच्छे से लगा के थोड़ा सा आप उसको हल्के से स्क्रब मसाज कर सकते हैं, स्क्रब नहीं मसाज कर दीजिए, ताकि जो है वो हल्दी का और जो ये सब लेप है बहुत ही अच्छे से आपके घाव के अंदर तक जाए और खुजली के अंदर तक जाए और आपको बहुत ही जल्दी असर मिले। उसका लगाने के साथ साथ ही आपको फील होगा, हल्का सा चुलचुलाएगा, हल्का सा फीलिंग होगा आपको कि कुछ ना कुछ हो रहा है और इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपको फील होगा एक या दो बार के इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से इसको बनाएं, लगाएं और अपने जो है अच्छे से स्टोर करके रखें दोस्तों। और इसको आपको रात में सोने के पहले कोशिश करें लगाएं, दिन में एक बार और लगा सकते हैं जब भी आप फ्री बैठते हैं, और लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने उस पर रहने दें, बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।